हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का विषय है व्यवहारिक मनोविज्ञान का इतिहास। प्रश्न ये उठता है कि हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है, यानी कि किसी भी विषय, किसी भी संस्कृति या किसी भी राष्ट्र के इतिहास को जानने की आवश्यकता क्या है। ये कहा गया है, ये माना जाता है कि इतिहास हमारी भविष्य की दिशा तय करता है। हम कहां जाएंगे ये फैसला ये बात करती है कि हम कहां से आए हैं, और कहां से आए का अर्थ है उस ऑब्जेक्ट का इतिहास। तो इस कड़ी में व्यवहारिक मनोविज्ञान ने जो एक लंबा सफर तय किया है, उस सफर के अंदर क्या क्या बदलाव आए, कहां से वो शुरुआत हुई और आज किस मुकाम पर है ये विज्ञान, इस वीडियो का यही विषय है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान इतिहास, अप्लाइड साइकोलॉजी की हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको ये बताएगी कि जो शुरुआत का जो समय है वो कैसे शुरू होता है और उसमें किस किस स्तर पर कौन कौन से बदलाव आते हैं। हम शुरुआत करते हैं भारतीय पारंपरिक साहित्य से। लगभग 5152 वर्ष पूर्व अगर हम इतिहास में झांकते हैं तो हमारा जो भारतीय पारंपरिक जो चंद्र कैलेंडर है उसके अनुसार मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, जो कि लगभग हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच में आता है, यानी मार्ग शीर्ष, यानी हम अगर हमारी भाषा में गए मंग से जिसको बोलते हैं, के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता का उपदेश दिया गया था, जो व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। केवल बातों से, अपने विचारों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे भ्रम दूर कर दिए थे और उसे मानसिक रूप से इतना स्ट्रोंग बना दिया था कि वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो गया था। वो अर्जुन जो सब कुछ त्याग कर बैठ गया था, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था, जिसको इतने सारे भ्रम थे, उन सब को केवल बातों के माध्यम से, जिसको हम टॉकिंग क्योर कहते हैं, इट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंसलिंग, अगर हम इसको एक पहलू से देखते हैं तो ये इतिहास की कड़ी में जो भारतीय परंपरा में किस तरह से मनोज्ञान की शुरुआत नहीं, इससे पहले भी मनोज्ञान के जो विषय थे वो चर्चित रहे होंगे, लेकिन चूंकि हम इसमें जानना चाहते हैं, हम इसी को जोड़ना चाहते हैं इस विषय के साथ, तो ये हम बताना चाह रहे हैं यहां पर कि वो भी एक तरह से साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का एक हिस्सा था कि कैसे उन्होंने बातों के माध्यम से अर्जुन को तैयार कर लिया था। अब हम बात करते हैं आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान के संस्थापक की। ह्यूगो मस्टरबर्ग को आधुनिक मनोविज्ञान यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1913 में साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की एक पुस्तक नाम से एक रचना की थी। तो वो बताते हैं कि जो उन्होंने वहां पर जो स्टडी की, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यार्ड के जो कारोबार थे तथा जो कर्मचारी, उन दोनों के बीच में अगर तालमेल बढ़ा दिया जाता है तो कार्य कुशलता बढ़ जाती है, यानी उनकी कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये था तालमेल का मतलब, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, और यही शुरुआत हुई आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान की। चूंकि मनोविज्ञान जो आज का मनोविज्ञान है ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, अरस्तु और प्लेटो से लेकर पेस्टोलॉजी, जिन्होंने बाल विकास पर बल दिया, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, थॉर्नडाइक, जिन्होंने शिक्षा मनोज्ञान नाम से पुस्तक लिखी, वाल्टर स्कॉट, और फिर ह्यूगो मस्टरबर्ग ने शिक्षा एवं जीवन में मनोज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है और उनको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से साइकोलॉजी के सिद्धांतों को जीवन में उतार कर हम लोगों के जीवन को किस तरह से और उच्च यानी गुणवत्ता वाला बना सकते हैं। इन लोगों के और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं और भी बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के कंसेप्ट को व्यवहारिकता में लाने का बड़ा प्रयास किया है।
मैंने यहां पर बहुत कुछ कम लिए हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे द सोल ऑफ चाइल्ड विलियम थियरी प्रेरणा 1892 में बहुत ही फेमस किताब है, जिसमें बाल विकास पर बल दिया गया। टीचर्स हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी जेम्स सली ने 1886 में पुस्तक लिखी, जिसमें लिखा गया कि किस तरह से साइकोलॉजी के सिद्धांतों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो टीचर्स को और भी पढ़ाने की उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। विटनेस टेस्टिमनी विलियम स्टर्न 1910 में बहुत ही फेमस बुक रही है, और इस किताब के माध्यम से जब स्टर्न ने किताब लिखी और अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो मनोविज्ञान ने न्यायिक प्रक्रिया में भी अपनी पहुंच बना ली। एजुकेशनल साइकोलॉजी ईल थॉर्नडाइक बहुत ही फेमस बुक है 1903 में, साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जैसा मैंने पहले बताया मास्टर बग ने 1913 में लिखी, और इन्होंने सभी ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि जो मनोविज्ञान है केवल किताबों तक प्योर साइकोलॉजी नहीं है, वहां तक सिमट कर नहीं रह गया, ये इसका भी व्यवहारिकता है, इसका भी हमारे आम जीवन में उपयोग होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये दौर चल रहा था तो इस दौरान जब कोई भी संस्कृति कोई भी समाज विकसित होता है तो पुस्तकें लिखी जाती हैं, जब पुस्तकें लिखी जाती हैं तो उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण भी होता है, और इसमें भी हुआ बहुत सारे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने जिन्होंने इस विषय को लोगों के करीब लाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ पत्रिकाएं शुरू हुई, जर्नल शुरू हुई, जिन्होंने नए नए अनुसंधानों और सिद्धांतों तक आम लोगों की पहुंच बनाई। यही किसी पत्रिका का जर्नल का मुख्य रोल यही होता है कि जो रिसर्च की जाती है वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे। आप देखेंगे साइकोलॉजिकल क्लिनिक नाम खुला, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी शुरू हुई, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारे हैं, और बहुत से यूरोपियन में, जर्मनी में भी, यूएस में भी बहुत सारे, भारत में भी आप कह सकते हैं कि संगठनों का निर्माण हुआ, जर्नल शुरू की गई और लैब शुरू हुए। विलियम वुंड ने अपने 1879 में अपना लैब शुरू किया जो सबसे फेमस लैब था। स्टैनले हॉल ने अमेरिकन में एक एक्सपर्ट लेबोरेटरी बनाई। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि साइकोलॉजी जब किताबों से निकलकर जब बाहर आई, व्यवहारिकता में आई, तो उन्होंने यथार्थ के जो जीवन पर बहुत प्रभाव डाला और उस यथार्थता को पूरी तरह से निभाया भी। और जो इस काम में जो मनोवैज्ञानिक लगे हुए थे, आप बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया, और जो इसमें लगे हुए थे उन्होंने मानव जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से उच्च क्वालिटी का बनाने में अपना योगदान दिया। मनोज्ञान को व्यवहारिकता में लाने के लिए आप देख सकते हैं 1921 में टर्मन ने एक बहुत ही फेमस स्टडी की जिसको जीनियस स्टडी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, हरमन रोशा ने रोशा शाही डब्बा यानी रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का निर्माण किया। कितनी अजीब सी बात है कि मनोविज्ञान ने मात्र शाही के डब्बे से यह जानने की कोशिश की और उसमें काफी कुछ महारत भी हासिल की कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जाना जा सकता है, कि उसके अंदर एक प्रोजेक्टिव टेस्ट था। 1985 मनोविज्ञान ने सेना में अपनी उपयोगिता साबित की। वाटसन ने व्यवहारवाद की शुरुआत की जो कि फेमस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और दिखाया कि वातावरण का व्यक्तित्व पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। 1928 में मार्गरेट मीड ने साबित किया कि सामाजिक कारकों में परिवर्तन करके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और उनमें सार्थक परिवर्तन किया जा सकता है। इन लोगों की जो मेहनत रही है, इन्होंने मनोविज्ञान को एक वाकई में व्यवहारिकता दी। इनके साथ साथ और बहुत से लोगों ने, इस समकालीन जो लोग थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फंक्शनलिज्म आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, सिगमंड फ्रायड, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारे चीजें जो थी ये निकल कर आई और व्यवहारिकता में आई। खेलों में भी मनोज्ञान का जो है अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। तो मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनोज्ञान ने व्यवहारिकता में आने के लिए एक जो लंबा सफर तय किया है उसकी हम थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। 1938 में हेनरी मरे और मॉर्गन ने टीएटी का निर्माण किया कि किस प्रकार आप पिक्चरों के माध्यम से अपने अंदर के व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। वो भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट था व्यक्तित्व का, बहुत फेमस रहा और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। मनोविज्ञान का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है। उदाहरण के लिए शिक्षा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
जो आधार बनाती है बच्चे का जीवन का आधार बनाती है शिक्षा, उसमें महत्वपूर्ण रोल है मनोविज्ञान का। क्लिनिकल नैदानिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य आदि, यानी कि हर क्षेत्र में मनोविज्ञान ने अपनी पैठ बना ली है। इसके बाद तो मनोविज्ञान का जो विस्तार बहुत ही तेजी से हुआ। आप देखेंगे 1979 में एलिजाबेथ लेफ्टस ने चश्मदीद गवाह की रचना की, जिसके कारण इसको हम टेस्टिमनी कहते हैं, मनोविज्ञान न्यायिक प्रणाली में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप एक नए विषय का जन्म हुआ, नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम फोरेंसिक साइकोलॉजी यानी फोरेंसिक मनोविज्ञान कहते हैं, और उसे मान्यता भी प्राप्त हुई। इसके बाद तो मनोविज्ञान ने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, समाज, संगठनात्मक क्षेत्र, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, एडोलसेंस और सभी में अपनी उपयोगिता साबित की, और आज जो आधुनिक मनोविज्ञान है एक लंबा सफर तय करके आज के इस युग तक पहुंच चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। स्पेस में जब मनोवैज्ञानिक जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, कॉस्मोनॉट्स या यात्री जाते हैं, तो उनको भी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है, और मनोविज्ञान आज भी हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को साबित कर रहा है। और इसकी उपयोगिता इसलिए ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि जो जो तकनीक का विकास हो रहा है, लोगों के अंदर मानसिक विकारों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से मनोविज्ञान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हुई है। और इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो मनोविज्ञान ने एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है और एक बहुत अच्छे मुकाम पर आज मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, ये था हमारा मनोविज्ञान यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान का इतिहास, और जो अगला हमारा व्याख्यान होगा वो होगा व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जल्दी ही हम फिर मिलेंगे, और अगर कोई आपको इस वीडियो से कोई भी सजेशन है या कोई क्रिटिकल कमेंट्स हैं तो आपके वो कमेंट्स हम सहज स्वीकार करेंगे और आने वाले वीडियो के अंदर हम जरूर उनको इंक्लूड करेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।